तो हेलो, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। आज आपको बहुत देर के बाद वीडियो देखने को मिल रही है मेरी। ये वीडियो नहीं है, एक्चुअली ये व्लॉग है। एंड आज मैं जा रहा था अमृतसर, सो आज मैं आपको लेके चलता हूँ अमृतसर एंड आपको अमृतसर का फूड भी दिखाएंगे, अमृतसर का फेमस फूड। एंड आपको दिखाते हैं कि अमृतसर कैसा है। शायद मैं गोल्डन टेम्पल भी जाऊँ तो आपको वहाँ के भी आज दर्शन करवाते हैं। सो लेट्स गो। तो आज मैं आया हूँ मम्मा के साथ एंड पापा के साथ। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं किया। जीके होटल एंड रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं जब भी अमृतसर जाते हैं। एंड ये हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट है। अगर आप भी ब्रेकफास्ट बढ़िया करना चाहते हैं या कुछ भी मील, आप कोई भी मील लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेकफास्ट हमारा कैसा जाता है। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, मैंने और पापा ने ऑर्डर किया है पनीर पराठा, मम्मा खा रहे हैं आलू पराठा एंड साथ में दही और साथ में अचार, और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ब्रेकफास्ट कर लिया एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया था, मज़ा आ गया यार पराठे खा के। एंड अभी चलते हैं अमृतसर, पहले हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल, तो आज आपको गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन करवा देते हैं। एंड हम तो बहुत एक्साइटेड हैं यार, क्योंकि मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 2-3 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं हम गोल्डन टेम्पल नहीं गए हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। तो चलिए चलते हैं। अमृतसर का एंट्री गेट एंड हम बस अमृतसर में एंटर करने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया तरह से बना हुआ है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो अमृतसर में पहुंच गया हूँ एंड अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल की पार्किंग के तरफ एंड अभी कुछ ही देर में हम गोल्डन टेंपल पहुंच जाएंगे। तो अभी हम पार्किंग की तरफ पहुंच गए हैं एंड आज मंडे है इसीलिए रश कम है, नहीं तो अगर सैटरडे संडे होता तो कम से कम मतलब 50-60 गाड़ियां एक लाइन में खड़ी होती हैं। अभी तो 5-7 गाड़ियां ही हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-2 घंटे तो गाड़ी पार्क करने में ही लग जाते हैं, 2 घंटे से भी कई बार ज़्यादा लग जाते हैं। तो फाइनली असी हरिमंदर साहब पहुँच गए हैं गोल्डन टेंपल। तो तुसीं वेख सकते हो कि किन्ना वधिया माहौल है इत्थे, असीं सारे बहुत ज़्यादा खुश हाँ। तो तुहानूं हुण मैं अंदर भी लैके चलना, पहला असीं जोड़ा घर च जोड़े जमा करवा के तो फिर अंदर चलने हाँ। तो तुहानूं मैं अंदर का सारा नज़ारा विखाना तो दिखाना कि यह किन्नी वधिया प्लेस है। तो एक बार तुहानूं वैसे सारयां नूं जरूर विजिट करना चाहिए, पर चलो एक बार तुहानूं मैं वीडियो भी दिखा दिना तो तुसीं एक बार जरूर विजिट करियो इत्थे। तो लो जी आपां पहुँच गए हाँ वर्ल्ड दी वन ऑफ दी मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रिलीजियस प्लेस ते गोल्डन टेंपल श्री हरिमंदर साहब अमृतसर दे विच। ते तुसी भी सारे वाहिगुरु जी के दर्शन कर सकते हो इत्थों वर्चुअली, बट मैं चाहवांगा कि जिन्हें भी व्यूअर्स ये देख रहे ने कोशिश करना कि एक बार इत्थे जरूर विजिट करो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वधिया फीलिंग है। मेरे ख्याल नाल असीं अंदर तो मत्था टेक नहीं पावांगे क्योंकि जिवें तुसीं देख सकते हो जिहड़ी कि लाइन है बहुत ज़्यादा वड्डी है, तो पूरा दिन भी इत्थे लग सकदा है, 4-5 घंटे पूरा दिन कोई पता नहीं इत्थे किन्ना टाइम लग जाए। तो असीं अज शाम नूं वापस जलालाबाद भी जाना है। तो मेरे पापा हुण कुछ हरिमंदर साहब बारे तुहानूं दसना चाहणगे। ये दुनिया दीआं जिहड़ियां रिलीजियस प्लेसिस ने उन्हां विचों सब तो खूबसूरत प्लेस ये गुरु का घर डिठे सबे थां नहीं तुझ जिहा, मतलब इहो जी दुनिया दे विच रूहानी और शांति वाली इस तो वधिया कोई जगह। तो जिवें कि तुसीं देख सकते हो हरिमंदर साहब दे विच किन्ना वधिया माहौल है, तो किन्ना खूबसूरत लग रहा गोल्डन टेंपल। तो तुसी देख सकते हो कि रश भी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा संगत आती है इतने मत्था टेकन, सारिया दिया जड़िया भी विशेज ने वो इतने पूरिया होंगे ने। इट इज़ अ मैजिकल प्लेस। तो हूँ मैं इतने 5 इशनाने कर रहा, मैं इशनान तो नहीं कर सकिया टाइम के शॉर्टेज करके, पर 5 इशनाने
करने हरिमंदर साहिब जाके जरूरी होंगे ने। बहुत ही पवित्र सरोवर, बहुत ही पवित्र पानी दे विच पानी छड़ाने करके मैं मत्था टेक तो रहा। दर्शन साढ़े कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं तुहानू हरिमंदर साहब के बाहर भी दिखाना चाहता कि बाहर कहोजा माहौल हूँ। बहुत ही वधिया माहौल हूँ, बहुत वधिया सारा बाहर वाला एरिया भी बनया हो, बट टाइम की शॉर्टेज के कारण मैं तुहानू दिखा नहीं पा रहा। जे तुसी चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट दैट आई कम बैक टू अमृतसर एंड शो यू मोस्ट फेमस प्लेसिस ऑफ अमृतसर एंड दी मोस्ट फेमस फूड्स ऑफ अमृतसर, दैन प्लीज़ लीव अ कॉमेंट एंड आई विल मेक श्योर दैट आई डू दैट फॉर यू गाइज। एंड अभी हम जा रहे हैं मेरी बुआ के घर, तो अभी वहाँ चलते हैं एंड बच्चों से मिल के आते हैं। मिले बहुत देर हो गई है, तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी बुआ के घर। ये मेरी बुआ की बेटी है, मेरी छोटी कज़न सिस्टर मन्नत। मन्नत अभी अपनी इंट्रोडक्शन देगी। Hello everybody, my name is Manojot Kaur. I have seen 8 springs. I study at UP Public School in grade 3 and my hobbies are listening music and reading books. Kaun sa music? Like music of English music, Hindi music, or Punjabi music. Just a type of music which is relaxing. Okay, she likes relaxing music. कमेंट करके बताइए आप लोगों में से किन किन को रिलैक्सिंग म्यूज़िक पसंद है। एंड ऐसे तो हो नहीं सकता कि हम अमृतसर आएँ और अमृतसरी कुलचा ना खाएं। तो आई हैव अराइव्ड एट अशोक कुमार कुलचे वाला। अकॉर्डिंग टू मी इन होल अमृतसर ही मेक्स दी बेस्ट कुलचा। मैंने अमृतसर में बहुत जगह कुलचे खाए हैं अमृतसरी, बट अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द बेस्ट। तो हुण मैं तुहानू दसना कि एक नॉर्मल कुलचा अमृतसरी कुलचे नालों किवें अलग हुंदा। पहली गल तां एक जिहड़ी इहदी फीलिंग हुंदी है, उहदे स्पैशल तरह के मसाले पैंदे आ, एंड जिहड़ा कि इहदा बाहरला मैदा हुंदा या फिर आटा हुंदा, जो भी आपां उहनूं कह लईए डो, उहनूं 7 तों लै के 8 लेयर्स उहदियां बनाई जांदियां ने। उहदे विच बटर दी लेयरिंग करके, जिंदे करके तंदूर च जदों इह जांदा है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, इनका टैक्सचर बहुत वधिया हो जाता है। तो इन्हें उपर भी धनिया धनिया दाने अनारदाना वगैरह ला के इन्हें उपर इनू एक हिसाब नाल आपां टॉपिंग कह सकने आ, वह की जाती है। तो उपर अमूल मक्खन रख के इनका बहुत ही ज़्यादा वधिया टेस्ट आता है। अमृतसर की शान मेरे अगे है अमृतसरी कुलचा, तो तुहानू मैं डिटेल बाद दसना। पहले इनकी आप टेस्टिंग कर लें, तो मैं तुहानू दसना कि इनका टेस्ट किवें है। तुसी देख सकते हो कितना क्रिस्पी है, तो अमूल मक्खन के नाल छोले मेकिंग तुसी देख ही ली होगी। चलो इनकी आप टेस्टिंग करने हैं। तो कुलचा तुसी देख सकते हो मक्खन लगा के नाल आप लैने चटनी वाले, इन्दे विच इन्ना स्पेशल जिहड़ी खट्टी चटनी हुंदी है बहुत स्वाद वो पाई हुई है। तो हुण करने आं दी टेस्टिंग। कुलचा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड सारे जो फ्लेवर हैं, कसूरी मेथी का, धनिया दाने का, अनार दाने का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। बाकी मैं ये इंजॉय करता हूँ एंड आपको देता हूँ एक फुल फ्लेज एंड प्रॉपर रिव्यू। दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कुलचा प्लेसेस इन अमृतसर और श्योर। बड़ी बड़ी जगह पे कुलचा खाया मैंने, पर दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट। एंड ये देख लो, दिशा पटानी भी यहाँ पे आती है कुलचा खाने के लिए। तो मैं अपना कुलचा इंजॉय करता हूँ एंड मिलता हूँ आपको कुलचा खाने के बाद। तो अभी मैं बताता हूँ आपको अमृतसरी कुलचे के बारे में। एक्चुअली मैं क्या, मन्नत ने भी अमृतसरी कुलचा खाया हुआ है, तो ये बताएगी कि कैसा होता है। इट इज वेरी टेस्टी एंड बेसिकली इट इज फिल्ड एंड स्टफ्ड विद पोटैटोस एंड इट्स दे हैव एडेड सम लाइक अनियन और समथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग एंड इफ वी ऐड बटर विद इट सो इट टेस्ट्स वेरी गुड एंड द रेस्ट ऑफ द रिव्यू माय ब्रदर विल। तो अमृतसरी कुलचा बहुत अच्छा है होता है एंड अमृतसरी कुलचा बहुत ही अच्छा था। मतलब जहाँ पे मैं गया था वो अमृतसर की वन ऑफ दी बेस्ट कुलचा प्लेस थी। मैं बाकी भी कई कुलचा प्लेसेस पे गया हूँ, पर आई लाइक दिस वन दी मोस्ट।
एंड जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कसूरी मेथी डाली हुई थी, धनिया डाला हुआ था, तो मतलब सभी इंग्रेडिएंट्स का इंडिविजुअल और बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। छोले की बात करते हैं, छोले बहुत ही अमेजिंग थे। चटनी के साथ छोलों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सिर्फ ऐसा अमृतसर में ही मिल सकता है। दिल्ली में भी कुलचे खाए हैं मैंने, ये वाले अमृतसरी कुलचे, चंडीगढ़ में भी खाया, लुधियाना में भी खाया, पर जो अमृतसर में अमृतसरी कुलचे का टेस्ट है ना, पता नहीं अमृतसर के पानी की वजह से है या कैसे है वो मुझे नहीं पता, बट अमृतसर में अमृतसरी कुलचे का टेस्ट नेक्स्ट लेवल आता है बॉस। बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है यार, एक बार अमृतसर आओ, गोल्डन टेंपल जाओ, साडा पिंड भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी और ब्लॉग में, एंड आओ अमृतसर, अमृतसरी कुलचे एंजॉय करो, अमृतसर का और फूड लस्सी वगैरह एंजॉय करो, काना स्वीट्स पे जाओ यार, मज़ा आ जाएगा। अमृतसर विजिट ज़रूर करना चाहिए लाइफ में एक बार, बहुत मज़ा आ जाता है अमृतसर आके, मतलब ना एक रिलीजियस सी फीलिंग जाग जाती है, मतलब दिल खुश सा हो जाता है अमृतसर आके, पता नहीं क्यों ऐसा कहीं और जगह नहीं होता, बट अमृतसर की बात ही अलग है यार। हम अमृतसर से चल पड़े थे एंड अभी करीब करीब 7:15 पता नहीं हो रहे हैं, एंड पापा को चाय वगैरह पीनी थी बिकॉज ही वाज सो टायर्ड, सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं। तो अभी हमने रोका है सरताज हवेली पे, वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है जीके रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है सरताज हवेली। तो फिरोजपुर हम पहुंच गए हैं एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम जो डिनर है वो आज सबवे पे करेंगे, होपफुली सबवे इस टाइम खुला हो, 8:30 हो रहे हैं एंड एग्जैक्ट टाइम है 8:17 हो रहे हैं एंड देखते हैं कि सबवे खुला है कि नहीं। तो हियर वी रीच आवर डेस्टिनेशन सबवे। तो सबवे टेक अवे ले लिया एंड घर पे जाके सीम के साथ एंजॉय करेंगे। तो अभी सीधा घर चलते हैं एंड फिर करते हैं वीडियो की एंडिंग, सो लेट्स गो होम नाउ। तो दिन हो गया ख़त्म, मैं आ गया हूँ घर वापस, एंड अगर ये ब्लॉग आपको किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइए एंड शेयर दिस ब्लॉग मोर एंड मोर, क्योंकि सारे जने जो भी ब्लॉग देख रहे हैं वो गोल्डन टेंपल अच्छे से देख ले एंड उनको अमृतसर कुलचे के बारे में भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल्स है जो वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आता रहूँगा। और कमेंट जरूर कीजिए कि अमृतसर के बारे में मेरे को और ब्लॉग्स बनाने चाहिए कि नहीं। तो बाय बाय फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।